अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मेज़बान हरमीत सिंह और आज मैं रावलपिंडी के सुजान सिंह के हवेली के सामने बिल्कुल खड़ा हूं। अगर हम बात करेंगे तारीखी इमारतों के हवाले से तो रावलपिंडी वो शहर है जिसके हवाले से मशहूर है कि ये वो कई ऐसी तारीख़ के हवाले से चीज़ें यहाँ पर अब भी मौजूद हैं। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि यहाँ पर वो राज वो चीज़ें आपको दिखा सके अपने नाज़रीन को जो काफ़ी जो इस पाकिस्तान से बाहर बैठे वो सिख भाई वो दूसरे लोग जो तारीख़ में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनको दिखाना है कि सुजान सिंह हवेली ये पहले कैसी थी और आज इसकी क्या हालत है और किस हाल में ये है। तो आज यहाँ पे आने का मकसद था आपको ये भी बताता चलूँ कि बिल्कुल सुजान सिंह हवेली के सामने जो आप ये सामने वाले हवेली का गेट देख रहे हैं ये सुजान सिंह के दादाजी की हवेली थी और ये जो आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं ये जगह ये सुजान सिंह हवेली है और आज यहाँ पे ये जो मेन दरवाज़ा है अगर आप सजाद भाई आपको दिखा सके ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से लोग जो है या उनकी फैमिली या दीगर उनके जो रिश्तेदार थे वो यहाँ से दाखिल होते थे इसी मेन दरवाज़े से। अगर हम सामने वाला दरवाज़ा अगर आप देख सकते हैं तो ये दरवाज़ा जो है ये मेहमानों के लिए होता था जो बाहर से उस ज़माने में जो रईस या उसके जो दीगर दोस्त आते थे जो मेहमान के तौर पर ऊपर बैठक पे जाने के लिए तो वो ये रास्ता इस्तेमाल करते थे, बाकी जो घर के हजरात थे वो यही दरवाज़ा इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस दरवाज़े को देख के आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में इस पर कैसी कारीगरी की गई है, यहाँ पर ये जो नक्श नगार बने हुए किसी ने तो अगर देखा जाए तो ये एक हाथी बना उसके ऊपर अगर देखें तो हम यहाँ पर एक शहज़ादी और इस तरह का जो है वो नज़र आ रहे हैं वो तस्वीर जो हमें नज़र आ रही है बड़ी कमाल का इस पर जो अगर आर्किटेक्चर के हवाले से हम बात करें तो कमाल का काम किया गया है और ज़ाहरी बात है कि वो उसके हवाले से सुजान सिंह के हवाले से ये बात मशहूर थी। बल्कि आज भी अगर हम आज हम कुछ ऐसी चीज़ें हमें जो मालूमात मिली हैं कि आज भी उनकी फैमिली दिल्ली में रहती है लेकिन वो यहाँ के एक रईसज़ाद थे और उनका जो कारोबार था बड़े हाई लेवल का था, अंग्रेज़ों के साथ उनका उनका लेन देन था तो इस वजह से वो रावलपिंडी के सबसे बड़े अमीर सरदारों में थे और सिखों में उसकी अपनी एक वैल्यू थी। आइए दिखाते हैं आपको ये अंदर के मनाजिर मेरे साथ में। सुजान सिंह हवेली रावलपिंडी में जो 1893 में ये तामीर हुई थी। सुजान सिंह के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो एक रईस थे यहाँ के राय बहादुर जिसे उसको खिताब यहाँ का मिला था अंग्रेज़ों की जानिब से। एक मर्चेंट थे और अंग्रेज़ों को जो आर्मी थी अंग्रेज़ों को वहाँ को उनको सप्लाई किया करते थे मुख्तलिफ चीज़ों की, बल्कि ज़्यादा उनका लकड़ी का कारोबार था। ये आप देख सकते हैं ये है उनकी वो हवेली जहाँ पर उनकी ज़िंदगी का जो हिस्सा है काफ़ी अरसा जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारा। फिर 1947 पार्टीशन जब हुआ तो अपनी फैमिली के हमरा वो यहाँ से जो भारत बना यानी दिल्ली वो माइग्रेट कर गई है। आप देख सकते हैं ये मेन हॉल है इस हवेली का जहाँ पे ज़ाहरी बात है कि उनकी फैमिली का उठन बैठन यहाँ पे होता था। ये अगर सजाद भाई दिखा सके ये किचन है बोर्ची खाना है वहाँ पर जहाँ पे खाने बनते थे और ये इस हवेली का ये इस हिस्से में किचन बना हुआ है। बाकी जो अगर आपको मैं बताऊँ इस हवेली के हवाले से तो कमाल की ये बनी है उस ज़माने में। इसके बाद हम आपको जो है ऊपर भी लेके जाएंगे जहाँ से मुख्तलिफ हमने जब जो बातें सुनी है कि वहाँ पर जो मनाजिर है रावलपिंडी के यानी पूरा शहर जो है वो आज भी उसका आप अगर आप देखना चाहते हैं बड़े आसानी से आप वहाँ से उसकी जो है वो व्यू जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम अपना शुरुआत करते हैं। ये हवेली दिखाने का मकसद ये था कि एक तारीखी विरसा है हमारा और एक चीज़ जो जब मैं यहाँ पे दाखिल हुआ तो बड़ी टूट फूट का शिकार होने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस तारीखी इमारतों को जितना भी हो सके इसकी केयर की जाए, इसको संभाला जाए क्योंकि ये हमारा तारीखी विरसा है और इसी को संभालना है। और जो लोग अपनी तारीख को भूल जाते हैं यकीन तारीख उनको भूल जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं ऊपर वाला पोर्शन, उसके बाद तीसरा वाला पोर्शन भी आपको दिखाते हैं मेरे साथ है।
इस हवेली के हवाले से पहले पार्ट फर्स्ट में जैसे हमने बात की, ऊपर छत पे हम गए और आपको जो मनाजिर थे वहाँ के पूरे रावलपिंडी के दिखाए। अब ये जो है ये सेकंड पोर्शन है इस एरिया का, मैं मेरे दोस्त को मैं अगर वो आपको दिखा सके, ये एरिया जो है नीचे बिल्कुल वही हवेली है जहाँ पे इनके रूम थे, मेहमान खाना जो, अगर ये सामने अभी आपको लेके जाऊँगा जहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो एरिया है, ये वो पोर्शन है जहाँ पर जो मेहमान आते थे, क्योंकि जाहिर बात है एक रईस सुजान सिंह के हवाले से आपको भी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो एक रईस था, ऊपर से राय बहादुर का खिताब उसे अंग्रेज़ों की जानिब से मिला था, तो वहाँ पे मेहमान नवाजी का वो सिलसिला जो था वो जारी था। और लोग जब आते थे, अभी मैं सजाद भाई से भी यही बात कर रहा था कि जब मेहमान आते थे तो किस कौन सा वो रास्ता था जिससे वो आते थे, तो उसने जो है वो इससे जो बाहर का पोर्शन है वो यहाँ से आते थे, और यहाँ से जो है अगर ये जो सामने वाला फ्लोर है इसके बारे में मैं सजाद भाई से ही बात करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है उनको ज़्यादा इस बारे में मालूम है। सजाद भाई, इस बारे में ज़्यादा जो है मशहूर है कि यहाँ पर अक्सर जो रौनक लगती थी, बैठक लगती थी और मेहमान आते थे और यहाँ पर जो है तवायफ है भी जो है अपना रक्स दिखाने के लिए आती थी, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखें आपने पूरी हवेली देखी है, कहीं पे टाइलों का वर्क है, कहीं पे ईंटों का फ़र्श है, लेकिन ये दो कमरे, इन दो कमरों का जो फ़र्श है वो लकड़ी का फ़र्श है। इस लकड़ी के फ़र्श बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर रौनक होती थी, मुजरा होता था, और क्योंकि रईस थे इनके पास अक्सर बैरून मुल्क से भी लोग आते थे, अंदरून मुल्क से भी रईस लोग आते थे, और समझ लें कि आधे पिंडी के ये मालिक थे, सरदार जो थे ना सुजान सिंह, तो इस वजह से यहाँ पर जो दो कमरे हैं, यहाँ पर मेहमान खाना भी था, यहाँ पर जो एक इनकी जो महफिलें लगती थी रक्स और सुरूर की वो भी यही जगह थी, और इसके जो रास्ता था ना वो बाहर बाहर से हवेली से बाहर निकल जाता था। जहाँ पे हम ये खड़े हुए हैं ये इनका जो था ना रिहायशी पोर्शन था, यहाँ से उस घर का कोई ताल्लुक नहीं था, अंदर से तो है लेकिन अगर कोई मेहमान वहाँ पर आए वहाँ से उसका बाहर से आने का रास्ता भी था, बाहर से जाने का रास्ता भी था। और इसकी जो आपने देखी है डेकोरेशन, जैसे कि हम अपने घरों में ड्राइंग रूम स्टाइल की रखते हैं, उसकी छतें देख लें, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर देख लें, वो एक ड्राइंग रूम स्टाइल का था, बाकी घर में भी है, बहुत आला है, लेकिन एक ड्राइंग रूम जिसको एक बैरूनी मेहमानों के लिए सजाया जाता है उस तरीके की ये जगह थी। बहुत शुक्रिया सजाद भाई। वैसे दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि ये कैसी जो जगह थी जहाँ पे रक्स होता था, एक महफिल सजती थी, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो नाज़रीन है, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो देखें कि ये बैठक और ये मेहमान खाना जो था किस कदर यहाँ पे आबाद होता था, और पायलों की झनकार देखें तो कई धूम और सुर संगीत की महफिल सजती थी यहाँ पे। ये अगर आप दिखा सके, ये यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि कालीनें वगैरह बिछी होती थी, और ये वो पोर्शन है जहाँ पे अंग्रेज़ जो बड़े बड़े राय बहादुर होते थे उस ज़माने में, जिनको ज़्यादातर अंग्रेज़ों की जानिब से जो खिताब मिलते थे वो यहाँ पे आते थे, और यहाँ से उनका जो है मन लुभाने के लिए ख़ूबसूरत दोशीज़ाएँ जो ख़वातीन होती थी जो रक्स करती थी वो यहाँ पर रक्स का जो है वो एक महफिल सजती थी। और उसके बाद अगर देखें ये तकरीबन इसकी बुलंदी अगर हम देखें यहाँ इस छत की, तो तकरीबन है 20 से 25 फीट तक ये बुलंद है। और एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि अगस्त के महीने में आज जितनी हब्स है यहाँ पे, उसके बावजूद अगर आप हवेली के कुछ एरिया से गुजरते हैं तो आपको महसूस होता है कि अभी भी कोई एसी या एयर कंडीशन का कोई सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर उन्होंने वो जो आर्किटेक्चर या जो आप उस ज़माने में जो कारीगरी की गई थी, कमाल की गई थी। अब ये जो है अगर आप देखें यहाँ पे एक और इसके साथ साइड रूम भी है, अगर ये साइड रूम आप देखें तो मेरे ख्याल में ये भी एक मेहमान खाना ही बनता है कि यहाँ पे रक्स की महफिल होती तो फिर यहाँ पे अगर किसी ने आराम करना होता। ये आप देखें, ये अंगीठा भी है, अगर इस तरह हम देखें तो यहाँ से बाहर का जो नज़ारा है वो भी बड़ी आसानी से होता था। और जिस तरह सजाद भाई ने बताया या हम तारीख़ पढ़ते हैं तो यहाँ से बाग सरदारा तक जाने का जो रास्ता था वो भी इसी हवेली से 3 किलोमीटर जाके गुजरता था। और ये देखें, अगर हम रावलपिंडी की बात करते हैं, रावलपिंडी में अगर हम सिर्फ तारीखी चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट फोकस करे, जिस तरह हमारे तारीखदान कुछ लोग काम कर रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट्रियाँ बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम अरसे में ये जो जगह है विजिटर सयाहों के लिए यहाँ का रश जो है तांता बांता बन जाएगा। और
اور لوگ جو ہے مختلف ممالک سے آئیں گے، کیونکہ پاکستان کو رب نے ایک تو موسموں کے حوالے سے ہم بات کریں تو چار موسم ہیں، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں کے تاریخی عمارتوں کے حوالے سے تو کئی ساری عمارتیں ہیں۔ یہ سیکنڈ پورشن تھا، ایک اور پورشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد وہاں چلتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد جو نچلے والا پورشن ہے، کیونکہ ہم نے شروعات اوپر سے کی تھی تو نچلے والا پورشن بھی آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں ہم سجان سنگھ کے دادا جی کے یہ جو حویلی ہے اسی میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسی سیڑھیوں پہ اترنا اندھیرا ہے، کافی مشکل بھی ہے کیونکہ یہ ایک کھنڈرات کی شکل بن گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آپ دیکھیں تو لائٹ کیونکہ روشن دان جو لگے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں آپ کو بڑی مشکل سے آئیں گی نظر۔ دوبارہ ہم آپ پاس آتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے سجان سنگھ کی فیملی کے لیے پانی آتا، یہاں سے وہ سیراب کرتے تھے اپنے پورے گھر جو ہے، یہاں سے پانی چلتا تھا یہاں سے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ محلے کے لیے آج یہ وہ اینٹیں جو ہیں اسی زمانے کی اینٹیں لگی ہیں، لائٹس بڑی کم ہے، اور یہ پانی اب بھی جو ہے اب پورے تقریباً محلے کو یہاں سے دستیاب ہوتا ہے۔ یقین مانیں کہ اس زمانے کے 1800 سے لے کے آج تک یہ کنواں جو ہے یہاں پانی ہے، اور لوگ کے گھروں تک آج بھی یہاں سے پانی جاتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں سجان سنگھ حویلی کے ٹاپ پہ، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا راولپنڈی کا جو شہر ہے یہاں سے آپ بآسانی اس یہ جو مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی ہائٹ پہ بنی ہوئی یہ حویلی، اور اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی یہ جو سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ ہے سجان سنگھ کے دادا کی حویلی ہے جو ابھی بن پڑی ہے، اور اگر دیکھیں تو کھنڈر نما وہ ایک منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ زیادہ عرصے کے بعد بند پڑی اور اس کے بعد اس پہ کیس چل رہے ہیں تقریباً، تو آپ اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن یہاں پہ ہمیں اجازت ملی اندر جانے کے لیے، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ سجاد بھائی ہیں، ذرا اور دوست ہیں ہمارے دو، تو ہم ہماری جو آج ہم یہاں پہ آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس عمارت جو ہے ایک تاریخی عمارت ہے، اور یہاں کے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ شہر ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمیں گائیڈ جو ہے کر رہے ہیں، مختلف جو رومز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، بلکہ ان کے والد صاحب نے کافی اس حوالے سے بات بھی ہمارے ساتھ کی کہ وہ کیونکہ پارٹیشن کے ٹائم وہی تھے، وہ آئے تھے اسی حویلی کے آس پاس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورشن کس قسم کا اس پہ کام کیا گیا، اور یہاں کی جو ایک چیز ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ مہینہ جو ہے اگست کا مہینہ ہے، اور اس کے باوجود جب آپ نیچے جاتے ہیں تو اتنی حبس ہونے کے باوجود آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی آس پاس اے سی لگے ہوں، مطلب تو یہ سوچے کہ اس زمانے میں یہ کس قسم کی ٹھنڈ ہوتی تھی، کیونکہ آبادیاں کم تھی، یہی ایک ایریا تھا۔ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہی ایریا جو ہے کافی، اگر آپ سامنے دیکھیں تو ایک مندر بھی آپ کو دکھائے دے گا، جو مندر کا گنبد ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور چھوٹے چھوٹے کئی مندر ہیں جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ زیادہ تر سکھ اور ہندو جو تھے وہ آباد تھے، جسے وہ سامنے دیکھیں بالکل مسجد کے پاس ایک اور گنبد مجھے نظر آ رہا ہے، بالکل وہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ جب ہماری بات ہوئی یہاں ہمارے بزرگ نثار صاحب سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب پارٹیشن سے کے بعد جب وہ دہلی سے یہاں پہ آئے، تو دہلی سے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا دیکھا یہاں پہ، وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، بڑی اچھی باتیں ان کے ساتھ شیئر ہوئی، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پہ جب وہ آئے تو کچھ ہندو اور سکھ فیملیاں جو تھیں وہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ تو میرا سوال ان سے یہ تھا کہ کیا حالات کیسے تھے، نارمل تھے یا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ بڑے ریلیکس ہو کے بڑے لوگوں نے ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے رخصت کیا۔ تو یہ وہ مناظر ہیں سجان سنگھ حویلی کے جو بالکل ٹاپ سے ہم نے لیے ہیں، بلکہ نیچے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو روم کے حوالے سے، بلکہ جو مہمان خانہ تھا وہاں پہ، اور ایک چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں کا جو لوہا لگا ہے، جو جنگلے لگے ہیں، جنگلے تو اڑا دیے گئے، کسی نے چوری کر دیے، کوئی
अपने साथ लेके गए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो एक चीज़ हमने देखी है कि वो भी उस ज़माने से, ये बाहर का लोहा है, इंग्लैंड से या किसी और कंट्री से मंगवाया गया लोहा है, और अगर हम देखें तो लकड़ी का काम जो है वो बड़ा कमाल का किया है इन लोगों ने। फिर इस तरह जो ईंटें हैं, अगर आप देखें तो ये आपको ये में जो मनाजर है, ये बिल्कुल आप देखें, ये बच्चा जो फिर रहा है यहाँ पे, जो बच्चा उधर उधर जा रहा है, ये वही जगह है जो ये मेन हवेली है। हवेली के बाद ये देखिए टॉप पे, हम अभी तो टॉप पे मैं था, अब मैं नीचे आ गया हूँ। लेकिन अगर आपको बता, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि फ्लू है मुझे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि नहीं, काम करना है, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, क्योंकि ये वो विरसा है हमारा, बड़ा कीमती विरसा है, और इसको सेफ करना जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है, बल्कि हर एक का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये कीमती असासे को महफूज बनाना है किसी या डॉक्यूमेंट्री की सूरत में। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये हक बनता है, ये काम उन्हीं का है कि इन जैसे चीज़ों को वो सेव करें, क्योंकि अगर हम बात करें इस हवाले से तो ये हमें देखें, अगर दुनिया देखें तो इसी चीज़ से ज़्यादा कमा रही है। ये देखें भाई, ये एक रूम है और ये लकड़ी जो है आज भी, हालत तो इसकी खस्ता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत काम इस हवेली पे किया गया, और कितने अगर देखें तो बहुत बड़ी हवेली है। मैंने भी जब निसार साहब से, इनसे हम जब हमारी बात हुई, तो मैंने पूछा कि कितने रूम होंगे तकरीबन यहाँ पे, तो उनका कहना था कि तकरीबन लगभग यहाँ पे है 30 रूम से ज़्यादा है, मतलब 30 रूम ज़्यादा है, जिसमें मेहमान खाने, फिर जो आप, मैं आपको नीचे भी लेके जाऊंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ये जो मनाजर है बड़े कमाल के हैं। आप देखें रावलपिंडी का पूरा शहर जो है, ऊपर से तो टॉप से पूरा शहर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो कमाल का है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं कैमरे को नीचे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आप देखें कि जो ये छतें लगी हैं, अगर हल्की पुल्की इस पर रिवन्यूएशन भी हो जाती तो ये जो मंजर है, ये मंजर जो पेश करता पूरे रावलपिंडी का, और कहते हैं कि ये टॉप पे बनी थी, टॉप उस वक्त आबादी नहीं थी, बल्कि रावलपिंडी के टॉप का शहर, यहाँ के जो मनाजिर थे, यहाँ से पूरा शहर के बड़े आसानी मनाजिर आप जो व्यू था वो आप आसानी से देखते, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त भी इतनी आबादी बढ़ने के बावजूद, अगर हम देखें तो उसके बावजूद भी आपको जो है वो हवेली का पूरा पोर्शन से ऊपर के टॉप से, पूरा रावलपिंडी तो नहीं बल्कि रावलपिंडी का तकरीबन 85% का जो वो है व्यू है वो आपको दिखाई देगा। तो ये इस बात से जाहिर होता है कि ये टॉप पे बनी थी, और इसी से जो है सुजांत सिंह या उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे जब यहाँ पर वो है, तो जाहिर बात है कि वो यहाँ से पूरा व्यू। और कहते हैं कि हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सजाद भाई मौजूद है, काफ़ी रिसर्च है उनकी इस चीज़ पे, इस हवेली पे या तारीख के हवाले से, उनसे बात करते हैं इस हवेली के हवाले से। सजाद, आपने तारीख के हवाले से कम देखें जी? देखें, ये जो एक बहुत रईस थे, इनके जो दादा थे सरदार सुजांत सिंह के, आपने जो राय है मेरे बिल्कुल आपके सामने और आपके पिछली साइड पे एक हवेली है, ये इनके दादा की हवेली थी, ये 1830 में तामीर की गई थी। और इनके दादा के बारे में ये सुनने में आया है कि या पेशावर या अफ़गानिस्तान के किसी नवाही इलाके से यहाँ पे आए थे, इनका टम्बर का काम था लकड़ी का, क्योंकि पिंडी उस वक्त GHQ बना था, यहाँ पे आर्मी का एक GHQ का वह इदारा बना था, यहाँ पे वो लकड़ी वगैरह सप्लाई करते थे, तो इसलिए उन्होंने आके यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की। ये रावलपिंडी का आप देख रहे होंगे इस वक्त भी सबसे ऊंचा इलाका था, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपनी हवेली बनाई, एक रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक बहुत आलीशान हवेली बनाई। और उसके बाद 1830 में ये बनी, और 1893 में जिस हवेली पे आप खड़े हैं सुजान सिंह, ये उनके पोते थे, उन्होंने ये हवेली बनाई। सुजान सिंह का ख़ानदान यहाँ पर क़याम पाकिस्तान के वक्त तक 1947 तक यहाँ पर रहा। सुजान सिंह का भी जो ख़ानदान था वो भी लकड़ी के जो कारोबार था उससे ही वाबस्ता था, और इनका जो कारोबार था वो GHQ में लकड़ी सप्लाई करना, और उस वक्त अंग्रेज़ों को ये लकड़ी सप्लाई करते थे, और अंग्रेज़ों ने उनको राय बहादुर का खिताब भी दिया था। इनका जो पूरा नाम था सरदार राय बहादुर सुजान सिंह था,
और ये रावलपिंडी के सबसे मशहूर ताजिर थे। और इसके अलावा यहाँ पे एक करीब जगह है बाग सरदारा, वो इन्होंने तामीर करवाया था, वो उसके अब तो निशानात ही रह गए हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे रावलपिंडी में फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है, वो भी इनकी जागीर थी, वो भी इन्हीं के पास थी, और उसकी जो तारीख है वो वज़ीर आज़म हाउस भी रही है, वहाँ पर सदर पाकिस्तान का एक नक्सी भी रही है, उसकी ऐसी तारीखी इमारत है। और अब वहाँ पर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की पहली ख़वातीन यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पर है। और इस इमारत के बारे में बताऊं कि यहाँ पर जब क़याम पाकिस्तान के बाद ये इमारत बनी है, उसके बाद यहाँ पे 1948 में यहाँ पे जब सिख की जब इंडिया के ऊपर कश्मीर का जब मामला हुआ था, वहाँ पर जो कश्मीरी महाजरीन थे वो यहाँ पर आके रिहाइश पजीर हुए। तकरीबन कहा जाता है यहाँ पे 50 के करीब ख़ानदान थे जो इस हवेली में रहते थे, और 1985 तक वो यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद इस हवेली की जो हालत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, देखभाल नहीं होती रही, इसलिए यहाँ पर मखदूश हालात की वजह से यहाँ पर जो ख़ानदान थे उनको अलग जगह दे दी गई। और ये हवेली मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ इदारों के पास रहती रही, लेकिन किसी भी इदारे ने इसकी देखभाल पर तवज्जो नहीं दी। अगर हमारी हुकूमत आज भी इस हवेली पे तवज्जो दे, इसको अपनी असल हालत में वापस लाए, तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया से लोग इस हवेली को देखने आएँ। ये हमारा असासा है जो कि हम अपने हाथों से इसको ज़ाया कर रहे हैं। मैं हुकूमत से भी ये कहूँगा कि इस हवेली के ऊपर तवज्जो दे। ये आज भी ऐसी हवेली है कि आप पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग को भूल जाएंगे अगर इसको अगर अपनी असल शक्ल में इसको आपने वापस ले आए। ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ से जो सामने बाग सरदारा तक जी बिल्कुल, ये जो इनके दादा की हवेली है, यहाँ से आपको अगर एक जगह है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड हो गई है ये हवेली, बिल्कुल एक रास्ता था, आप नीचे जाएंगे बिल्कुल वहाँ से नज़र आएगा, यहाँ से और बाग सरदारा ये जो जगह थी, यहाँ पे अंडरग्राउंड एक रास्ता होता था, क्योंकि ये आबादी जो आपको नज़र आ रही ये नहीं होती थी, ओपन जगह थी, अंडरग्राउंड रास्ता था। शाम को जब सैर करने का मूड होता था इनके दादा का या सरदार सुजान सिंह का या इनकी फैमिली का, वो एक बाग था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फ्रूट के दरख्त थे वो लगे होते थे, ये तमाम लोग वहाँ पे जाके शाम को या किसी वक्त उन्होंने सैर करने जाती होती जाने होता था तो वहाँ पर जाते थे। और यहाँ से बाकायदा जो हमारे बड़े हैं वो बताते थे यहाँ पर टांगे चलते होते थे, यहाँ से ले कर बाग सरदारा जो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, वो आपको एक दूर टैंकी नज़र आ रही होगी, पानी की टैंकी, ये मेन बाग सरदारा के पास टैंकी है, ये इतनी दूर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है ये बाग सरदारा, और यहाँ से लेके इनका दूर बाग होता था और यहाँ से अंडरग्राउंड टांगे चलते थे। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, ये आपने बहुत बड़ी एक वो तारीखी हिस्ट्री जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, इस हवाले से काफ़ी जो है लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी तारीखी तौर पर उस हिस्ट्री को अफवाहों के तौर पर भी बनाई है, लेकिन आप यकीनन आपकी जो का जो मुतालिया एक सीनियर कोरेस्पोंडेंट होने के नाते और एक कुलीग ना होने के नाते, तो आप काफ़ी इन चीज़ों पे वो रखते हैं, अबूर आपको हासिल है। हमारे नाज़रीन को भी हमने बताना था कि इन्हीं तारीखी विरसे को जब तक हम संभालेंगे नहीं तो यकीनन ये हम नुकसान में जा रहे हैं, इसी से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें सयाह की बड़ी तादाद यहाँ पर आ सकती है इन हवेलियों को, इन मंदिरों को। इसी पे हम अभी बात कर रहे थे इन टॉपिक्स पे कि पाकिस्तान को रब ने अगर 3 रिलीजन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े रिलीजन जो है वो यहाँ पे पैदा हुए, लेकिन वह अगर देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ में बिल्कुल भी संजीदा नहीं नज़र आती, बल्कि अगर हम देखें पड़ोस के जो ममालिक है, अगर भारत पर हम देखें तो आज भारत की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है इन्हीं तारीखी इमारतों से होती है, और यही जो चीज़ है मुल्क को अगर तरक्की पर लाना है तो इन पुरानी इमारतों को, जो तारीखी वरसा है हमारा, उसको जो है उसको दोबारा से तामीर कराना होगा और अब विज़िटर के लिए खोलना होगा।